हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। ये आ गए हैं हम मदीना, और ये मदीने का थोड़ा बाहर का रोड है, और ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, जो बाउंड्री है, ये है जन्नतुल बकी, जो कि बहुत बड़े कब्रिस्तान है, जो कि अंदर का हिस्सा मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। और जैसे ही हम रोड क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगी मस्जिद मनवरा, मदीना मस्जिद, जो कि बहुत ही खूबसूरत। और मैं इसमें आपको अंदर का भी हिस्सा दिखाऊंगा, और आप देखो कितनी खूबसूरत है ये। छतरियाँ लगी हुई हैं इसकी धूप की वजह से, ताकि आदमी को चलने में, ये कुछ लोग नमाज बाहर भी पढ़ते हैं तो उनको कोई परेशानी ना हो। ये बहुत बड़ा स्पेस है, गर्मी तो यहाँ पे होती है, मगर इन छतरियों के नीचे आप रहोगे तो आपको गर्मी का इतना एहसास नहीं होगा। और ये सामने मस्जिद, और आपको दिखाता हूँ मैं, ये हमारे हजूर का रोज़ा, ये जो इधर मीनार के साथ में ही है। अस्सलातु वस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। तो यहाँ पे आप उसके गेट में घुसोगे, हम तो जाते थे यहाँ पर 37 नंबर गेट, और चारों तरफ ये जो बैरिगेट लगा रखे हैं, ये लगा रखे हैं रियाजुल जन्ना के लिए, क्योंकि रियाजुल जन्ना में जाने के लिए बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि जहाँ हमारा हजूर का रोज़ा है, जस्ट इसके बगल में ही जन्नत के जो क्यारी बोलते हैं रियाजुल जन्ना, वो यहीं पे ही है। उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तब उसके बाद नंबर आएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें दो नफिल पढ़ने के लिए टाइम दिया जाएगा, तो उसमें पढ़ सकते हैं। जमजम की एक बोतल मिलेगी आपको पीने के लिए। ये यहाँ पे बराबर में ये हमाम है, वजू वजू घर है यहाँ पे, और पीने का पानी भी यहाँ पे है। देखो ये पानी पी रहे हैं लोग, बाग भर के लेके जा रहे हैं यहाँ से। देखो ये आपके हमारे हजूर का रोज़ा, इसके नीचे ही कब्र हैं आपकी, हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बराबर में अबू बकर सिद्दीक की, तीसरी हजरत उमर की। तो यहाँ पे ये अपने बैरिगेट किधर से भी रास्ता बंद कर देते हैं। यहाँ से हम यहाँ से घुसेंगे 37 नंबर गेट से मस्जिद के अंदर, फिर आपको दिखाऊंगा मैं मस्जिद के अंदर का हिस्सा। चद्दर करोड़ों में इसी की मत, छतरी छतरी की है। हाँ, पिलर तो कुछ भी, हाँ गलत कह रहा हूँ मैं, करोड़ बोल, तो मैं कब कह रहा हूँ करोड़ ज्यादा नहीं बैठते, 1 करोड़ से ऊपर की होगी। और ये मस्जिद के अंदर अंदर आ गए हम, अभी मगरिब के बाद का टाइम है, जो कि ये लोग काढ़ा और चाय पिलाते हैं शाम को सभी को जो अंदर रहते हैं, तो हमने तो बहुत पिया, बड़ा अच्छा बनाते हैं और बड़ा अच्छा ही लगता है सभी को। यहाँ पे मगरिब की नमाज से पहले दस्तरखान लगा देते हैं, ये दही ब्रेड और काढ़ा, पानी की बोतल, चाय, और भी खजूर तो मिलती रहती हैं, और भी बहुत लोग, कुछ लोग चॉकलेट भी देते हैं, कुछ टॉफ़ी भी देते हैं, कुछ लोग तो मतलब खाने के बहुत सारे आइटम हैं, कुछ लोग रोटी भी देते हैं, यहाँ की रोटी भी अलग है, वो भी खिलाते हैं। देखो ये चाय है, ये चाय का नाम तो मेरा ध्यान नहीं आ रहा अभी क्या चाय का नाम है, मगर चाय पियोगे तो मन खुश हो जाएगा आपका। काढ़ा भी बहुत, ये मगरिब के इशा तक मिलता है कदम काढ़ा चाय, तो आप किसी भी टाइम ले लो, थोड़ी थोड़ी दूर पे ही मिल जाएगा आपको अंदर मस्जिद के अंदर ही। और इसके लिए आपको कोई कुछ नहीं देना, सबके लिए सबको पिलाते रहते हैं। देखो ये खजूर है, ये भी ताज़ी खजूर है, ये हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलेगी आपको, और इतनी मीठी है। एक खजूर खाओ, एक चाय
की घूंट भरो तो मन खुश हो जाएगा। तो ऐसे ही है यहाँ पे अंदर का हिस्सा, और मैं दिखाता हूँ आपको बाहर का भी हिस्सा। और नमाज के बाद दोस्तों हम यहाँ को इधर खजूर के रोजे के पास को निकले हैं। तो मेंबर्स है यहाँ पे, आप नमाज पढ़ाया करते थे मदीना में। ये इसकी थोड़ा सा इसकी जस्ट बगल में ही जन्नत वो रियाजुल जन्ना है, आपको उसके लिए परमिशन देनी पड़ती है पहले। तो यहाँ और दोस्तों ये आ गए हम बाहर, अब ईशा का टाइम हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो में आपको कल भेजूँगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, और सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को मेरी पूरा देखें, और लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो को आपके पास सबसे पहले मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखना अपना।